हाय, वेलकम टू एबल्स ट्यूटोरियल्स। आज से Adobe Illustrator के बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले 5 सिलेक्शन टूल्स 10 मिनट के लेसन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, तो हम सीख रहे हैं आज सिलेक्शन टूल के बारे में। तो ये ब्लैक एरो सिलेक्शन टूल है, इसको आप सिर्फ वी दबाएंगे तब भी आ सकता है। आप इससे कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तो आप दो तीन या मल्टीपल उससे ज़्यादा भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाउंडिंग बॉक्स उसके बाहर आ जाता है। आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट ग्रुप है। सिलेक्ट करके आप इनको किसी भी डायरेक्शन में हिला सकते हैं। शिफ्ट दबा के हिलाएंगे तो आप स्ट्रेट लाइंस में हिला सकते हैं, या आप 45 डिग्रीज के एंगल्स में हिला सकते हैं, जैसे कि ये। आप ऑल्ट दबा के इनको स्केलिंग कर सकते हैं, तो ये बीच में से स्केल करेगा। शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो प्रोपोर्शन में स्केल करेगा, जैसे आप देख रहे हैं। ये बीच में से करा, अगर मैं ऑल्ट छोड़ देता हूँ तो ये प्रोपोर्शन में ऐसे सेलेक्ट करके बड़ा छोटा कर सकता है। और अगर आप शिफ्ट या ऑल्ट कुछ भी नहीं दबाते तो ये किसी भी डायरेक्शन में, आप किसी भी शेप में इसको स्क्वायर से रेक्टेंगल कर सकते हैं, या ये सर्कल है इसको आप एलिप्स बना सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर होता है। अगर आप सिर्फ कमांड या कंट्रोल पीसी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो ये अगर आप छोड़ देंगे तो वो फिर नॉर्मल सिलेक्शन टूल बन जाता है, अगर आप पकड़े रहेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे रहेगा आपके पास, और आप इसके साथ यहाँ काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप सिर्फ ए दबा के भी ला सकते हो, और ये वाइट एरो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट किया आपने। इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसके कोई भी शेप में ये जो एंकर पॉइंट है जिसको एंकर कहते हैं, ये देखिए सिलेक्ट किया तो ये ब्लू से पूरा भरा हुआ है, ये खाली हैं सारे। तो आप जब ये ऐसे ब्लू में है मतलब ये सिलेक्टेड है, आप इसको कभी किसी भी डायरेक्शन में हिला सकते हैं, कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। आप अगर आप सिलेक्शन टूल में थे जब आपने देखा था तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे आर्क आ जाता है। ये आर्क, ये चारों सिलेक्टेड हैं अभी आप देखते हैं, तो ये सारे कॉर्नर्स के अंदर आप इसको राउंडेड कॉर्नर्स दे सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक ही को सिलेक्ट करते तो आप सिर्फ किसी एक को भी दे सकते हैं, जैसे ये दिया आपने, या आप किसी दो पॉइंट्स को शिफ्ट दबा के दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये किसी भी शेप के साथ है, आप लाइन के अंदर अगर रहेंगे तो लाइन के साथ आप ऐसे इसको जहाँ मर्जी कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन के अंदर आप इसको हिला सकते हैं। ग्रुप के अंदर अगर आप है, ग्रुप में अगर आपको थोड़े चेंजेस करने हैं तो बिना अनग्रुप किए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये आपने एक एंकर सेलेक्ट किया, इसको ऐसे शेप दे दिया हमने, और एक ये वाला सेलेक्ट किया हमने, इसको थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर दे दिया इस तरफ पे हमने। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो। आप वही सेम चीज़ है शिफ्ट दबा के विद इन अ ग्रुप ऑल्सो आप अलग अलग एंकर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट दबाया आपने, ये दोनों एंकर सेलेक्ट हो गए, दोनों में अगर आपने राउंडेड कॉर्नर देने आप दोनों में राउंडेड कॉर्नर भी दे सकते हैं, जैसे ये। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब इसमें आते हैं हम ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये प्लस के साथ है ये वाइट एरो। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने कोई ग्रुप में सिलेक्ट करना है, अगर आप एक बार क्लिक करेंगे, अगर आपने देखना उसके ग्रुप में क्या है, आप एक और बारी क्लिक कीजिए, ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए फिर से एक बारी मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक ही ऑब्जेक्ट को अभी सिलेक्ट कर रहा है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्शन टूल में अभी। और मैंने अगर दो बार क्लिक इसको किया है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेता है, और इस पूरे ग्रुप का आप हिला सकते हैं। अब चलते हैं अपने लैसो टूल की तरफ। लैसो टूल भी एक सिलेक्शन का टूल है, इसको भी आप मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, बट इसको अगर आपने ऐसे करके सिर्फ एक नोट सिलेक्ट करना हो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं लैसो टूल के साथ ही, और इसको फिर आप ऐसे आपने सेलेक्ट किया इसको, फिर आपने कंट्रोल या कमांड दबाया, और उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आप इसको जाके एडिट कर सकते हैं। और आपने अगर दो सिलेक्ट करने हो तो आप ऐसे यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने दो ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट कर लिए बीच में से, आपको यूँ घेरा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन टूल के अंदर में भी आप ऐसे कर सकते हैं,
अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट करने तो आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हो। उनको ज़रूरी नहीं है कि पूरे घेरे के अंदर लाना हो, आप सिर्फ उसके ऊपर से ऐसे कर्सर भी ले जाएंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, वो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कोई भी टूल के साथ है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाते हैं अगेन, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप सिर्फ पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ पाथ सिलेक्ट हुआ अभी ये, तो इस पाथ को आप हिला सकते हैं, ये देखिए ऐसे, तो बाकी पाथ तोड़ेगा नहीं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, अगर आपने पाथ को डिलीट करना हो, आपने ये डिलीट कर दिया पाथ, तो ये ओपन हो गया शेप, क्लोज नहीं है। सेम चीज़ अगर मैंने अगर इसको पॉइंट एंकर को यहाँ से डिलीट कर दिया तो भी ये शेप ओपन हो गया है और क्लोज नहीं है। इसको क्लोज करने के लिए आपको दोबारा से पेन टूल से या किसी लाइन टूल से आपको वापस जोड़ना पड़ेगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर आपके पास ये अलग अलग फिल्स दिखाए हुए इसने। मैं किसी तरी अलग अलग तरीक़ों से इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ फिल कलर के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो जैसे ये दोनों के फिल सेम है, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो सिर्फ ये तीनों के फिल सेम है, तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर मेरे को इसका फिल नन है और मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सिर्फ यही सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ स्ट्रोक कलर के साथ करना हो तो ये आप जो देख रहे हैं फिल और कलर के सामने, ये टॉलरेंस है, उस कलर की टॉलरेंस है कि उसके 20 शेड ऊपर नीचे, और आप इसको ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट दिस इज सेइंग इज कि आपका कितने शेड ऊपर नीचे ये टॉलरेट कर सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे यहाँ स्ट्रोक कलर सेलेक्ट किया है, तो अब मेरे को अगर जैसे ये ब्लू लाइन है और ये ब्लू लाइन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये ब्लू लाइन ऊपर वाली भी सिलेक्ट हो गई, और आप देख रहे हैं ये वाली सिलेक्ट नहीं हुई जबकि इसका फिल कलर सेम है बट लाइन फ़र्क है। सेम वे अगर मैंने रेड लाइन को अगर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी रेड लाइन्स हैं ये देखिए ये सारी सेलेक्ट हो गई। अगर ऐसे ही मैं ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन भी सिलेक्ट हो गई। अब ये है स्ट्रोक वेट। स्ट्रोक वेट मतलब कितना पॉइंट साइज है आपकी स्ट्रोक का। अगर इसकी टॉलरेंस मैंने 5 पॉइंट है यहाँ पे, तो 5 पॉइंट मतलब अगर आपका स्ट्रोक है 10 पॉइंट का और वो 15 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक के जितने भी स्ट्रोक है वो सिलेक्ट कर सकता है। आप इसको सीधा 0 भी कर सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली उसी स्ट्रोक, जो भी आपके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे सेम स्ट्रोक की विथ में अगर आपको सेलेक्ट करना हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसी स्ट्रोक की विथ में जितने भी स्ट्रोक हैं, जैसे ये रोम्बस हो गया और ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन, ये सारे सिलेक्ट हो गए। आप देखिए, सो दीज आर ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट का रूल है, तो इसमें जितने भी इस पॉइंट के रूल से वेट के हिसाब से सिर्फ यही था अकेला, तो यही सिलेक्ट हुआ। इसके रूल के हिसाब से सिर्फ ये दोनों सिलेक्टेड है, और ये अपने इसका भी पॉइंट साइज रूल का यूनिक है, तो इसलिए इसने सिर्फ अपने आप को ही सिलेक्ट किया। ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी मतलब आप जब यहाँ जाते हैं ओपेसिटी में, यहाँ पे ओपेसिटी है 100%। तो जिसने भी ऑब्जेक्ट है जिनकी जैसे इसकी ओपेसिटी 100% है, इसको भी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी भी आप देखेंगे 100% है। इसको सेलेक्ट करता हूँ अगर मैं तो इसकी ओपेसिटी आप देखेंगे 100% है, बट इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई है। आप इसकी ओपेसिटी देखिए, इसकी भी 100% है। तो जो भी अगर मैं जैसे 100% की ओपेसिटी में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी सारे 100% थे सारे 100% हो गए। और अगर मैं जैसे इसको और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं ये ओपेसिटी कर देता हूँ 60, और इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ मैं से 65, और यहाँ इसकी टॉलरेंस मैंने 5% दे रखी है, तो मतलब 60 से 65 तक की रेंज में ये पकड़ लेगा। तो अब मैं अगर इसको यही सेलेक्ट करते हुए इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए।
अब आते हैं हम ब्लेंडिंग मोड पे। ब्लेंडिंग मोड में ऐसे ही है, जैसे ये मल्टीप्लाई है, मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये मल्टीप्लाई था, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये था दोस्तों सिलेक्शन टूल्स के बारे में। अब अगले लेसन के लिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू।